नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं तहे दिल से उदयपुर न्यूज चैनल, श्री मनुराव साहब, अभिषेक जी जोशी और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुआ। उदयपुर न्यूज एक ऐसा चैनल है, सरकार हो या प्रशासन हो या बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या नामी गिरामी व्यक्ति हो, जब कोई मुद्दा उनको नजर आया तो उन्होंने बेखौफी के साथ और बेबाक आवाज में अपनी आवाज को बुलंद किया है। उसी न्यूज चैनल द्वारा एक न्यूज प्रकाशित की गई थी, चूंकि वह न्यूज आज मेरे संज्ञान में आई और मैंने उसको पूरी तरीके से सुना और पूरी तरीके से सुनने के बाद ही उस खबर का असर भी मैंने सुना। उन दोनों जो न्यूज है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर रहा हूं, जिसे आप देख सकते हैं। उदयपुर न्यूज चैनल ने एक ऑटो ड्राइवर, एक वह ऑटो ड्राइवर जिसको वास्तविक रूप से, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, जो कि एक समाजसेवी व्यक्ति है, जिसने की गर्भवती महिलाओं और अशक्त व्यक्तियों की को कहीं पर भी छोड़ने के लिए उदयपुर शहर में निशुल्क सेवाएं दे रखी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई ट्रस्ट डोनेट नहीं करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से डोनेशन नहीं लेता है, और उसी व्यक्ति ने कोरोना काल में जिला कलेक्टर महोदय से स्पेशल परमिशन लेकर भी अपना सेवा कार्य जारी रखा। यहां तक कि उदयपुर शहर के अलावा उन्होंने राजसमंद तक लोगों को अपनी सेवाएं दी, लेकिन कोरोना काल की मारी जैसी जो मार है वो सभी पर पड़ी, तो एक ऑटो चालक पर क्यों नहीं पड़ती। नाम प्रकाश चंडालिया। इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मैं इसलिए जानता हूं कि इसी तरह एक मैटर में जब एक लड़की को उसकी बेटी होने पर उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया था और उसे वेश्यावृत्ति तक ढकेलने में जो षड्यंत्र उन्होंने किया था, वह व्यक्ति उस व्यक्ति को भी एक समाज सेवक के रूप में हमारे पास लेके आया और हमने भी उनकी मंशा को देखकर उस व्यक्ति के लिए, उस लेडीज के लिए फाइट की। और जब उस व्यक्ति के बारे में हमने सुना कि वह गर्भवती महिलाओं को, कमजोर व्यक्तियों को निशुल्क ऑटो सुविधा प्रोवाइड कराता है, तो दिल हमारा गदगद हो गया। वह ऑटो आज भी उदयपुर शहर में लोगों को वही सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, लेकिन कोरोना काल में उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई कि वो फाइनेंस की किस्तें नहीं भर पाया और उसके ऑटो को सीजर द्वारा, बजाज ऑटो फाइनेंस द्वारा जब्त कर लिया गया। जब इस न्यूज को उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से उठाया और उदयपुर के भामाशाहों से आह्वान किया कि इस समाज से व्यक्ति को अब लोगों की मदद की दरकार है, तो निश्चित रूप से इस खबर का असर हमें उदयपुर न्यूज चैनल पर ही देखने को मिला। और उदयपुर न्यूज चैनल की इस पहल पर बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़े और हमारे सीआई साहब हिरणमंगरी थाना के श्रीमान हनुमंत सिंह जी ने, मैं तहे दिल से हनुमंत सिंह जी को दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हनुमंत सिंह जी ने पहली बार कोई मिसाल पेश नहीं की है, अपितु कोरोना काल के विषम दौर पे भी उन्होंने पूरा एक सिस्टम मैकेनिज्म तैयार किया था और लोगों को घर घर पे भोजन पहुंचाया था। प्रत्येक उस व्यक्ति तक उन्होंने सुविधाएं पहुंचाई थी जो भोजन, मतलब दो वक्त की रोटी के लिए महरूम था। पूरा प्रशासन अपनी तरफ से मदद कर रहा था वो बात और थी, लेकिन सीआई साहब हनुमंत सिंह जी ने कोरोना काल के अंदर भी लोगों को बहुत ही मदद की। योग गुरु के रूप में उन्हें जाना जाता है। मेरी व्यक्तिगत मुलाकात केवल उनके साथ दो बार ही है और वो भी उनकी कड़क काली और कठोर चाय के साथ, मतलब इतना अपने आप को फिजिकल फिट रखते हैं कि हम भी उनके साथ बैठे तो हमें उनके साथ उनकी पसंदीदा कड़क चाय पीनी पड़ी। हनुमंत सिंह जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिसने कि लोगों के समाज सेवा के रूप में काम आ रहा था, ऑटो ड्राइवर जो कि लोगों को, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सेवाएं दे रहा था और उसने कोरोना काल में भी लोगों को सेवाएं दी, इस जगह आपने इस व्यक्ति के दर्द और तकलीफ को समझा, बजाज फाइनेंस से संबंधित ऑटो को बुलाया और दीपावली के दिन उसके घर में दीपावली मन सके इसीलिए आपने उसको अपने थाने में बुलाकर उसे ऑटो सुपुर्द किया। आपने जो भामाशाह के रूप में जो राशि उनको अंशदान किए और आपके अलावा भी जिन जिन लोगों ने इनको सहयोग किया है, उनको तहे दिल से हम उदयपुरवासी तहे दिल से आपका सम्मान करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप एक भामाशाह के रूप में उदयपुरवासियों के लिए मदद का पर्याय
बनते जा रहे हैं। उदयपुर न्यूज ने बहुत ही अच्छी खासी पहल की। दिल द्रवित हो उठा आपके सेकंड वीडियो से जब प्रकाश चंदालिया की चार बेटियां ऑटो आ गया इस खुशी के साथ दौड़ती दौड़ती घर से बाहर निकली। मैं प्रत्येक व्यूअर से जो मेरा चैनल देख रहा है उनसे ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के साथ में इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के पीछे मैं वो दोनों वीडियो एड कर रहा हूं जिनके अंदर उदयपुर न्यूज ने एक सार्थक पहल की है। उदयपुर न्यूज से हम उम्मीद करते हैं कि उदयपुर के विकास में, उदयपुर की निर्धन जनता के सहयोग में आप इस तरह के कदम अवश्य उठाएं। आप बहुत ही सशक्त बने, आप उदयपुर की तीसरी आंख बने हैं, हमें इस चीज पे बहुत ही गर्व है। मनुराव साहब, अभिषेक जोशी, भाटी साहब, पूरी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, एवं उन बच्चों को भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपने गुल्लक फोड़े और दो पैसा निकाल के मदद के लिए आगे बढ़ाया, और प्रमुख रूप से सीआई साहब हनुमंत सिंह जी को, क्योंकि आप उदयपुर के भामाशाह बन के उभरे हैं, लोगों के दुख विघ्नहर्ता बने हैं। ईश्वर आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखे और आप दिन प्रतिदिन उन्नत चौगुनी तरक्की करें, यह हमारे एसोसिएट की, पूरे उदयपुर वासियों की तरफ से आपको शुभकामना है। और जो भी व्यूअर्स मेरा इस चैनल को देख रहा है उनको ये कह रहा हूं कि वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद जरूर देखें, क्योंकि खबर तो अब शुरू हुई कि किस खबर का क्या असर हुआ। धन्यवाद, देखते रहिए आगे का उदयपुर न्यूज का वीडियो। धन्यवाद। कोरोना काल पूरी दुनिया के लिए एक डरावना सपना जो मार्च माह से अभी तक चला आ रहा है। कईयों ने अपनों को खोया है, कईयों ने ऐसों की मदद की जिन्हें वह जानते भी नहीं थे। इस काल के दौरान एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ, वह था मददगार। जी हां, जानलेवा वायरस के खौफनाक मंजर में कई ऐसे मददगार बने जिनसे खासो आम कभी अपेक्षा नहीं कर सकता था। उन्हीं में से एक है उदयपुर के ऑटो चालक प्रकाश चंदालिया। इन्हें सच्चा समाज से भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं और असहायों के लिए हमेशा निशुल्क सेवाएं देने वाले प्रकाश ने कोरोना काल में जिला कलेक्टर से विशेष परमिशन लेकर न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद की बल्कि उनसे एक पैसा शुल्क तक नहीं लिया। अपने ऑटो से जरूरतमंदों को मंजिल तक पहुंचाने का काम कोरोना के लॉकडाउन और कर्फ्यू में करना किसी परोपकार से कम नहीं था, क्योंकि इस वायरस के संपर्क में आने से प्रकाश की जान भी जा सकती थी। आइए कोरोना काल में सबसे बड़े मददगार बने प्रकाश के कार्यों की कुछ झलकियां देखते हैं। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ रे, आ जाओ, ये आ जाओ, सबको मिलेगा। उतारो, धीरे धीरे उतारो, आराम से, धीरे धीरे उतारो, है ना। ये सिटी रेलवे स्टेशन से आए हैं, यहाँ उदयपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है बिलों का बेदला हॉस्पिटल। यहाँ पर कौन से गांव के हो आप, थोड़ा बताना। सूरजपुरा। सूरजपुरा किसके पास में आता है? पांडोली स्टेशन के पास। पांडोली कपासन है ना। चलो ठीक है, आपसे पैसे तो नहीं लिए गए ना? आपसे पैसे तो नहीं लिए, जोर से बोलो थोड़ा। नहीं लिया। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है, जाइए आप लोग। नमस्कार, मैं प्रकाश चंदालिया, और आज मेरे पास ये पेशेंट है जिनका मैं उदयपुर से राजसमंद लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी गाड़ी वाला एग्री नहीं था। अभी कोरोना महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, इस हिसाब से तो मैं इनको उदयपुर से राजसमंद ले जा रहा हूँ। ये किसान मजदूर है जो किसी कारणवश एक्सीडेंट से चोटग्रस्त हो गए थे, तो मैं इनको उदयपुर से राजसमंद लेके जा रहा हूँ, ये मेरी सेवा है। सब आप कहाँ जाएंगे राजसमंद में? टीवीएस चौराया जाएंगे ये, तो मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है साहब, धन्यवाद, राम राम।
वाकई प्रकाश ही असल मददगार है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना कईयों को मंजिल तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन नियति उसके साथ कुछ ऐसा करेगी जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यही वजह है कि आज एक मददगार को मदद की जरूरत है। चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं और प्रकाश चार मासूम बच्चों और पत्नी सहित आत्महत्या करने को मजबूर है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वह लॉकडाउन के दौरान अपने ऑटो की किश्तें जमा नहीं करा पाया और निर्दयी बजाज फाइनेंस कंपनी ने उसकी एक न सुनी और उसका ऑटो उठा कर ले गए। ऑटो जब्त करने आए कंपनी के सीजर्स ने बताया कि किश्त चुकाने पर ऑटो लौटाने की बात कही थी। जैसे तैसे इधर उधर से प्रकाश ने किश्त के पैसों की व्यवस्था की और कंपनी गया तो कंपनी ने ऑटो का पूरा पैसा देने पर ही ऑटो छोड़ने की बात कही। बस ये सुनकर पूरा परिवार टूट गया और आज जिस दहलीज पर आकर खड़ा है ये देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। मैं यहाँ उदयपुर में पिछले 30 सालों से रह रहा हूँ और काफ़ी टाइम से ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाकर उदयपुर की मैंने बहुत सेवा करी है, जैसे गर्भवती महिलाएं, बीमार अपाहिज लोगों की, नेत्रहीन लोगों की मैं हेल्प करता हूँ, मेरे ऑटो पर लिखा हुआ है। और अभी 1.5 महीने पहले सर मेरा जो ऑटो है वो फाइनेंस कंपनी वाले ने उठा लिया है, क्योंकि कोरोना के बाद में सर मैं किस्त नहीं भर पाया था और मेरे किराए का मकान है, 6,000 रुपये महीने का किराया लगता है और ये बच्चे बच्ची है, इनको खिलाना पिलाना सब मैं अकेले ही मेंटेन करता हूँ उस ऑटो से। तो उस ऑटो से मैं उदयपुर की हेल्प भी करता था और घर भी चलाता था। तो वो ऑटो जाने के बाद मैं 1.5 महीना हो गया मैं घर पे ही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इन बच्चों को कैसे खिलाऊँ, फाइनेंशली बहुत परेशान हो गया हूँ, कर्ज ले करके मैं घर चला रहा हूँ और बहुत मजबूर हो गया हूँ कि सर मैं अब इन बच्चों का आगे भविष्य कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर ऑटो रिक्शा तो मैं पिछले 20 सालों से चला रहा हूँ और उदयपुर की सेवा भी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, गर्भवती महिलाएँ, बीमार लोगों की, अपाहिज लोगों की। लेकिन वो जो ऑटो है वो नया ऑटो मैंने 2.5-3 साल पहले निकलाया था तो उसकी लॉकडाउन से मैं किस्तें नहीं भर पाया, तो उसकी किस्तें बाकी होने की वजह से कंपनी वालों ने उस ऑटो को उठा लिया। सर ऑटो रिक्शा तो मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ और सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन हम जैसे लोग, जैसे कोरोना सिर्फ मेरे लिए नहीं था, सबके लिए था, लेकिन हम जैसे लोगों की आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैं इतना टाइम तो मैंने निकाल लिया लेकिन आगे मैं इन बच्चों का कैसे लाइफ निकालूं, क्या करूं, ये बच्चे बच्ची है छोटे छोटे, इनका पालन पोषण करना असंभव हो पा रहा है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, ऐसा मन में विचार आते हैं, लेकिन फिर इनकी लाइफ के बारे में सोचता हूँ और हम जैसे, जैसे मैंने बहुत सेवा करी है उदयपुर के लिए और आज हमारी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है, लेकिन तो मैं इस उदयपुर चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कहते हुए तो बड़ी शर्म महसूस हो रही है लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी हेल्प हो जाए आपके चैनल के माध्यम से तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरे जैसे जो छोटे मोटे समाज सेवक हैं देश के अंदर, वो उनको एक हौसला मिलेगा आगे और काम करने के लिए और ऐसी छोटी मोटी सेवाएं देश के लिए, अपने शहर के लिए देते रहेंगे। जैसे मैं उदयपुर के, उदयपुर शहर के लिए जैसी मैं सेवाएं देता हूं, वैसी दूसरे भी मेरे जैसे छोटे मोटे जो समाज सेवक हैं जिनके मन में देश हित की भावना है, तो ऐसे लोगों को हौसला मिलेगा। इससे हिम्मत थी तब तक मैंने उदयपुर के लिए हेल्प करी और मेरे श्रद्धा अनुसार मैंने सेवा दी, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर को कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी हेल्प कर सको तो बहुत बड़ी बात होगी। सर पहले हमारे पास ऑटो था तो हम उससे घर गुजारा चलाते थे, अब हमारा ऑटो कंपनी वाले लेके चले गए तो 2 महीने से मेरे हस्बैंड घर पे बैठे हुए, अब मैं बच्चे को कैसे पालूं और हमारे आगे पीछे दोनों के कोई नहीं है, अब मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ सर। अब मेरे हस्बैंड घर पे बैठे हुए हैं, इनको अब वो ऑटो कंपनी वाले पहले बोल रहे थे कि मैं दे दूंगा, पैसे की व्यवस्था करके लाओ, हम पैसे की व्यवस्था करके गए, उन्होंने फिर बोला कि अभी नहीं देंगे बाद में देंगे,
फिर ऐसे करते करते। उदयपुर में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले मददगार को आज मदद की दरकार है। मेवाड़ सदियों से भामाशाहों की धरा के नाम से जाना जाता रहा है। किसी भी विपदा में हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होकर उसे मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास मेवाड़ वासियों ने किया है। आज भी भामाशाहों की दरकार है एक मददगार को। कोरोना काल में आई आर्थिक मंदी अब पूरे परिवार के भविष्य को अंधकार में डाले हुए है। मासूम बच्चों का स्कूल फीस नहीं जमा कराने से छूट गया है। घर का खर्चा चलाने वाला ऑटो बैंक की यार्ड में जमा है और अब तो राशन भी कभी भी खत्म हो सकता है। उदयपुर न्यूज सभी दर्शकों से अपील करता है कि दिवाली से पहले अंधकार में डूब चुकी प्रकाश की जिंदगी में उजाला लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर सीधे प्रकाश से संपर्क कर मददगार के मददगार बने। जय हिंद, जय मेवाड़। भगवान के दिल को भी सुकून आता होगा जब कोई गरीब चेहरा मुस्कुराता होगा। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मेवाड़ की यह धरा एकलिंगनाथ की धरा है। यहाँ पर दुखियों का दुख हरने के लिए कई हाथ उठ खड़े होते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है उदयपुर शहर के सबसे लोकप्रिय थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित और शहर के भामाशाहों ने। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व उदयपुर न्यूज ने कईयों के मददगार बने ऑटो चालक की दुख भरी कहानी से आप सभी को रूबरू करवाया था। उसके बाद से ही उसकी मदद के लिए कई लोग आगे बढ़ने लगे। दरअसल उदयपुर में टेकरी पर रहने वाले ऑटो चालक प्रकाश बीते काफी समय से गर्भवती महिलाओं और अपाहिज लोगों को निशुल्क उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहा था। कोरोना काल में विशेष रूप से कलेक्टर से स्वीकृति लेकर प्रकाश ने राजसमंद तक अपनी निशुल्क सेवाएं भी दी थी, लेकिन नियति ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि प्रकाश के जीवन में मानो अंधेरा हो गया हो। कईयों की मदद करने वाले प्रकाश को मदद की दरकार पड़ गई। प्रकाश के जीवन में यह विडंबना कोरोना काल में आई, क्योंकि इस दौरान ऑटो में सवारियां नहीं आती थी। यही वजह रही कि प्रकाश फाइनेंस कंपनी वालों को ऑटो की किस्त जमा नहीं करवा पाया और एक दिन सीजर्स आए और प्रकाश के गुजर बसर का आसरा ऑटो ही लेकर चले गए। मानो प्रकाश पर दुख का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा हो और उसने परिवार सहित आत्महत्या करने का मानस बना डाला। उदयपुर न्यूज से बातचीत के दौरान मददगार ने ही मदद क्या मांगी, कई लोग आगे आ गए और अपनी श्रद्धानुसार प्रकाश की मदद करने में जुट गए। उदयपुर न्यूज के मार्फत हुई 45,000 रुपए की व्यवस्था के बाद सबसे बड़ी मदद जिन मसीहाओं ने की वह थे मासूम बच्चे। जी हां, चौंकिए मत, इन बच्चों ने अपने गुल्लक को तोड़कर जमा पूंजी प्रकाश के जीवन में रोशनी लाने के लिए अपने पिता को दे दी और वह पिता और कोई नहीं हिरणमगरी थाने के CI डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित थे, जिन्होंने भी पूरे थाने के स्टाफ के साथ मिलकर करीब 38,000 रुपए इकट्ठे किए और बजाज फाइनेंस के ऑफिस ले जाकर बकाया किश्तों का भुगतान भी किया। बाद में यार्ड जाकर ऑटो को थाने लाया गया और प्रकाश को मिठाई के साथ ऑटो सहित विदा कर दिया गया। आज हमारे पिताजी ने एक ऑटो वाले अंकल का वीडियो दिखाया था जो ना कोरोना में सबकी हेल्प करते थे और आज वो मुसीबत में, तो हम उनको आज हम उनकी मदद करेंगे। उनका ऑटो कंपनी ने ले लिया है तो उसको छुड़ाने के लिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। मैं उनके लिए 500 रुपये दे रहा हूँ। मैं उनके लिए ये 500 रुपये मेरे गुल्लक में से निकाल के दे रहा हूँ। मेरा नाम तन्मय सिंह है। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है। मैं उन अंकल के लिए इतने रुपए दे रहा हूँ।
आप क्या दे रहे हो? इतने सारे रुपए दे रहे हो? अरे वाह, और आपका नाम? ये सबकी क्या खर्ची है? खर्ची मिली हुई है पैसे की? मेरा नाम है तनी, ऑटो वाले अंकल के ये पैसे। तो ये खर्ची कब मिली? दिवाली की खर्ची मिली है? तो फिर अब ऑटो वाले अंकल को सब दे दोगे तो फिर कैसे करोगे? फिर दिवाली पे क्या करोगे तुम? मेरा नाम दुर्गा, मैं 300 रुपए दे रहा हूँ ऑटो वाले के लिए। चलो सब बच्चे, बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल अभिषेक जी, उदयपुर जो न्यूज़ है उसके द्वारा हमें सूचना मिली कि जो प्रकाश पाठ है, जिसके द्वारा कोरोना काल में ही नहीं अपितु उससे पूर्व भी जो गर्भवती महिलाएं, मूक बधिर या असहाय व्यक्ति या जिन्हें आवश्यकता है, उन व्यक्तियों को विशेष रूप से निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। जैसा कि हमने उस वीडियो में, न्यूज़ में देखा कि कोरोना काल के अंदर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो व्यक्ति आ रहे हैं जा रहे हैं और यातायात के साधन उस समय उपलब्ध नहीं थे, यातायात साधनों की अनुपलब्धता की स्थिति में भी यह व्यक्ति उदयपुर शहर ही नहीं अपितु उदयपुर जिले से बाहर भी मरीजों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे थे, जो कि प्रेरणादायक और अनुकरणीय कदम है। और जब हमें आपके उदयपुर न्यूज़ चैनल से ज्ञात आया कि मददगार को मदद की दरकिनार, तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है कि जो व्यक्ति तन मन और धन से ये सेवा कर रहा है, जिसकी 4 बेटियाँ हैं और जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, खुद ऑटो किराए पर चलाकर अपना और बच्चों का पेट पाल रहा है, इसके साथ ही आप देखिए कि वो ऑटो भी किस्तों में ले रखा है, और क्योंकि कोरोना काल में किस्तें जमा नहीं करेगी, बजाज फाइनेंस कंपनी द्वारा सीज किया गया। और उदयपुर न्यूज़ चैनल, पुलिस थाना हिरन बकरी और जनसहयोग से जो कुछ धन की उपलब्धता कराई जाकर आज धनतेरस के दिन इसका ऑटो पुनः नियमानुसार छुड़वाया गया है, और आज इन्हें थाना हिरन बकरी परिसर से इन्हें इसकी चाबी आदि दी जाकर भिजवाया दिया है। प्रकाश की दुख भरी कहानी सुनने के बाद लग रहा था कि शायद लोगों का मददगार रहा यह युवा दिवाली भी नहीं मना पाएगा, लेकिन जैसे ही उदयपुर न्यूज़ पर खबर दिखाई गई, कई लोगों ने प्रकाश के दर्द को समझा और यथासंभव मदद करने में आगे बढ़ गए। वहीं हिरण मगरी CI डॉक्टर हनुमंत सिंह ने भी दिवाली से पहले प्रकाश को ऑटो दिलाने का वादा किया था और वह धनतेरस पर पूरा भी कर दिया। ऑटो लेकर जैसे ही प्रकाश अपने घर पहुंचा, फिर क्या कुछ हुआ इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, आप खुद देख लीजिए। सर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि
उदयपुर न्यूज़ की वजह से आज मुझे मेरा ऑटो वापस मिल गया है, और उदयपुर न्यूज़ और हिरणमंगरी थाना और हिरणमंगरी थाना के सीआई साहब हनुमंत सिंह जी साहब और उदयपुर की जनता से जो सहयोग मिला, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से। और उदयपुर न्यूज़ की वजह से आज मेरे बच्चे बच्ची धनतेरस और दीपावली बहुत खुशी से मनाएंगे, और मैं फिर से उदयपुर की जनता और हिरणमंगरी थाना के साहब हनुमंत सिंह जी और वहाँ का स्टाफ सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। आज से 3 दिन पहले तक मैं बहुत डिप्रेशन में था, और ऐसा महसूस होता था कि कहीं जाके सुसाइड कर लूँ, क्योंकि आर्थिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। पिछले 1.5 महीने से मैं घर पे ही बैठा था, लेकिन जब से उदयपुर न्यूज़ ने मेरी खैर खबर ली उसके बाद से मैं बहुत खुश हूँ। और आज उदयपुर न्यूज़ की वजह से मुझे मेरी सबसे प्रिय गाड़ी, जिसकी वजह से मैं उदयपुर की सेवा किया करता था और मेरा घर गुजारा भी चलाता था, आज उदयपुर न्यूज़ की वजह से वो गाड़ी मेरे पास वापस आ गई है, और मैं दिल से उदयपुर न्यूज़ और सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। आज बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को, आज बहुत मैं खुश हूँ। बाकी 3 दिन पहले तो मेरी बहुत खतरनाक कंडीशन ख़राब हो रही थी। क्या सोच रहे थे पहले, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, आज मेरे को बहुत खुशी मिली मेरे को आज, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज धनतेरस है, कल दिवाली है, अभी आज मेरा नहीं मिलता तो ऑटो तो फिर मेरे को तो आज अच्छा नहीं लगता था।